नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का जेटी एजुकेशन में। दोस्तों, महंगाई दर रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ रही है बहुत ही तेजी के साथ। अप्रैल का डाटा आया है और इन्फ्लेशन 7.7% से ऊपर चढ़ गया है। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि महंगाई दर होती क्या है, कौन इसे मापता है, आंकड़े कौन जारी करता है, कैसे पता करते हैं, कितने टाइप की होती है, साथ ही साथ महंगाई दर बढ़ने से क्या नुकसान होता है दोस्तों, इसको भी हम लोग जानेंगे, कैसे इसको कंट्रोल किया जाता है, इन सब पर हम लोग चर्चा करेंगे वीडियो में। तो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि आपको इसमें महंगाई दर को बहुत ही अच्छे से समझाया जाएगा आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले तो महंगाई के बारे में जान लो। महंगाई इतनी तेजी से बढ़ रही है कि कमर टूट गई है आम आदमी की। अब ये महंगाई डाटा अभी अप्रैल का आया हुआ है और इसमें बताया गया है दोस्तों कि खुदरा महंगाई जो है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये खुदरा महंगाई की बात हो रही है, यानी CPI की जो इंडेक्स आई हुई है, CPI के द्वारा जारी की गई है, ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये बढ़ रही है और इसमें बताया गया है कि ये 7.79% के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच चुकी है, इसको पार कर दी गई है। बहुत सारे आर्टिकल इस पर पब्लिश हो रही है, ये रेफरेंस के लिए जान लो। 8 सालों का रिकॉर्ड इसने तोड़ दिया है, 8 साल से ज्यादा के हाइक पर है ये। पिछली बार 2014 में ऐसी स्थिति देखने को मिली थी, लेकिन अभी ये 8 साल का रिकॉर्ड तोड़ करके बढ़ रही है। यहाँ पर आप देखेंगे अक्टूबर 2020 में भी कुछ ऐसी ही स्थिति आई थी, लेकिन तब 7.61% तक ही वृद्धि देखने को मिली थी। अभी ये रिकॉर्ड भी टूट गया है, 7.61% को भी पार करके 7.79% तक पहुंच गया है। यहाँ पर आप देखेंगे अक्टूबर 2020 से यहाँ पर कुछ घटा, फिर बीच में बढ़ा था एक टाइम के लिए, फिर इस साल दोस्तों शुरुआत होते ही जनवरी से फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये बढ़ना लगातार शुरू हुआ और स्थिति यहाँ पर पहुंच गई है कि महंगाई दर 7.79% को पार कर गई है, जो कि पिछले 8 सालों का रिकॉर्ड है। दोस्तों, महंगाई दर होती क्या है? महंगाई दर यानी इन्फ्लेशन, महंगाई वो है जैसे कि मान लो आप कोई सामान कुछ दिन पहले कुछ दूसरे दाम पर पाते थे, आज उससे बढ़ करके पा रहे हो, तो कितना प्रतिशत बढ़ करके दाम पर आज वो सामान पा रहे हो, ये होती है महंगाई दर। लेकिन इन सब के लिए एक बेस ईयर डिसाइड किया गया रहता है, एक रेफरेंस ईयर डिसाइड किया गया रहता है, जिसको हम लोग रेफरेंस लेकर के तुलना करते हैं। अब इसमें ऐसा नहीं है कि हम लोग पिछले महीने या एक दो महीने पहले से आज की तुलना करेंगे, ऐसा नहीं होता, क्योंकि हो सकता है उस टाइम पर मौसम कुछ दूसरा रहा हो और प्रोडक्शन उस टाइम पर अलग होता है, क्योंकि भारत में जो मार्केट है या फिर दुनिया में भी देख लो, अलग अलग मौसम में अलग अलग चीजें उत्पादन की जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, चावल का अलग टाइम पर होता है, गेहूं का अलग टाइम होता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही अलग अलग टाइम पर उत्पादन होता है, तो हम लोग इसलिए मौसम को नहीं बेस मानते हैं, बेस ईयर मान लिया जाता है, कि किसी एक साल को रेफरेंस मान लेते हैं, उसकी तुलना कर करके कि कितना प्रतिशत उस वर्ष के हिसाब से बढ़ रहा है महंगाई, ये देखा जाता है। तो यहाँ पर रेफरेंस ईयर जो माना गया है 2011-12 माना गया है, 2011-12, ये ध्यान रखिएगा, बेस ये ईयर है, ये पूछा जाएगा आपसे, ठीक है, बेस ईयर का क्या माना गया है, तो आप बताएंगे 2011-12। इस हिसाब से 7.79% अभी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली हुई है। अब देखो, ये खुदरा मुद्रा स्फीति जो है, खुदरा मुद्रा स्फीति यानी रिटेल इन्फ्लेशन रेट है, ये बढ़ी हुई है, ध्यान रखिएगा। अभी आपको आगे मैं बताऊंगा दोस्तों, एक होता है WPI, एक होता है CPI, दोनों में हम लोग अंतर जानेंगे। होल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, दोनों का अलग अलग डाटा जारी किया जाता है और दोनों का अलग अलग महंगाई रेट होता है। अगर आप होल में खरीदते हो तो यहाँ पर देखा जाएगा होल महंगाई यानी होलसेल में, और यहाँ पर कंज्यूमर का यानी खुदरा में जो होता है वहां पर। तो यहाँ पर जो बातचीत चल रही है, जो भी चीजें महंगाई दर की बात हो रही है, ये आम आदमियों के लिए बात हो रही है, गरीब आदमियों के लिए बात हो रही है, जो खुदरा में जाते हैं सामान खरीदते हैं रिटेल में, ठीक है ना, जो छोटी छोटी दुकानों पर एक एक करके सामान लेते हैं उनकी बात हो रही है, जो होलसेल में खरीदते हैं उनकी बात यहाँ पर नहीं हो रही है। तो यानी ये जो महंगाई दर बढ़ रही है, ये सीधा सीधा इफेक्ट डालेगी आम आदमियों पर, गरीब जनता पर। तो 8 साल के उच्च स्तर पर है। इससे पहले देखो, मई 2014 में 8.33% पहुंच गई थी, मई 2014 में और ज्यादा हालात खराब थे। यहां पर देखेंगे मार्च 2022 में 6.95 पर रही थी, मार्च महीने में भी ये बढ़ गई थी। अच्छा, CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है, इस पर आधारित ये आंकड़े कौन जारी करता है, तो आप बताएंगे सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, या कहें सेंट्रल स्टेटिस्टिक ऑफिस के द्वारा जारी किया जाता है, CSO आप भी कह सकते हैं। ये सभी एक एक पॉइंट वन लाइनर के रूप में भी नोट डाउन करते चलिएगा, ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है। CPI कौन जारी करता है, तो CSO आप बताएंगे। क्लियर, इतना तो आपको समझ में आ गया कि ये न्यूज क्या चल रही है अभी।
अभी रुपया भी डाउन होता जा रहा है, डाउन होता जा रहा है, 77.6 रुपीज हो गया है एक डॉलर के बराबर, ठीक है, एक डॉलर वन डॉलर बराबर हो गया है, वन डॉलर बराबर 7.76 रुपीज के आसपास में पहुंच गया है, 77 रुपए के आर पार कर रहा है, ये भी रिकॉर्ड स्तर है, ठीक है। तो इसकी वजह से भी और ज्यादा हुआ, प्लस कोविड की वजह से कई सारे रीजन आए, दुनिया भर की इकोनॉमी भी गिरी हुई है, रसिया यूक्रेन का वार चल रहा है, सबसे बड़ा रीजन तो यही है जिसकी वजह से यहाँ पर महंगाई देखने को मिल रही है, क्योंकि अल्टीमेटली तेल और उसके बाद फिर जो जो पाम ऑयल होते हैं, उसके बाद जो रिफाइंड ऑयल होते हैं, इन सब के भी व्यापार में दिक्कतें देखने को मिली रसिया यूक्रेन युद्ध की वजह से, इन सब कारणों को देखते हुए, साथ ही साथ सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार ने क्या क्या पॉलिसीज लाई हैं, इन सब की नाकामियों की वजह से भी यहाँ पर महंगाई देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर बहुत सारे रीजन है, देखिए कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी चीजें हो, कोई भी सरकारें हो, उनका जो डिसीजन होता है ग्लोबल इकोनॉमी पर, हमारे इंटरनेशनल रिलेशन से, वो डिपेंड करता है कि इकोनॉमी कैसे इंडिया में रहेगी, महंगाई कैसे रहेगी, ये सब चीज़ें भी डिपेंड करती हैं, साथ ही साथ वैश्विक मार्केट में क्या चल रहा है, ये भी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो अभी रिकॉर्ड स्तर पर है खुदरा महंगाई। अब आप समझिए ये खुदरा महंगाई जो है, ये 7.79 तो हो गई, इससे किस पर इफेक्ट पड़ेगा, तो इस पर दोस्तों फूड पर इफेक्ट देखने को मिल सकता है, बिजली, ईंधन, कपड़े, जूते, सब्जियां, दालें, ये सब चीजें लगातार महंगी हो रही हैं। यहाँ पर पूरा लिस्ट दी गई है, देखिए सब में वृद्धि हो गई है, देखने को ये मिल रही है, लगातार जो आम आदमी है, आम जनता है, इस पर इफेक्ट देखने को मिल रहा है। अब हम लोग समझेंगे ये WPI और CPI होता क्या है। तो दोस्तों WPI का मतलब होल प्राइस इंडेक्स, होलसेल में जो प्राइस इंडेक्स होता है उसे कहते हैं WPI, ठीक है। अब और जो CPI होता है, इसका मतलब होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। होलसेल का मतलब, जैसे ये मान लो फैक्ट्री है, फर्म है जहां से उत्पादन होता है, तो फर्म से जहां से उत्पादन होता है, तो बड़े बड़े जो व्यापारी हैं या बड़े बड़े जो होलसेल में खरीदते हैं वो लेंगे यहां से, बड़ी बड़ी कंपनियां या फिर जो भी होलसेल डिपोर्ट होते हैं वो यहां से लेंगे। तो इन पर जब महंगाई दर बढ़ती है दोस्तों, तो उसे कहते हैं WPI में इंडेक्स में वृद्धि देखने को मिली हुई है, ठीक है, होलसेल में महंगाई देखने को मिली है। लेकिन जब इन फैक्ट्रियों से छोटी छोटी दुकानों में आते हैं माल, छोटी छोटी दुकानों में आते हैं, और इन दुकानों में आने के बाद यहां पर दोस्तों CPI डिपेंड करता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। यहां से कस्टमर एक एक करके सामान ले जाता है, फुटकर में लेकर के जाता है, खुदरा सामान लेकर के जाता है रिटेल से, तो फिर उसी में जो अगर वृद्धि देखने को मिलती है तो उसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के तहत देखा जाता है, खुदरा महंगाई इसे कहते हैं। तो यहां पर थोक महंगाई नहीं, यहां पर खुदरा महंगाई में वृद्धि देखने को मिली हुई है। अब आप देखो अभी दिसंबर 2021 में अगर बात करें हम लोग, तब WPI में दोस्तों वृद्धि देखने को मिली थी। WPI में 12 वर्षों का रिकॉर्ड स्तर तोड़ा था इसने, पिछले 12 वर्षों के मुकाबले में रिकॉर्ड वृद्धि देखने को मिली थी, और इसकी वजह से यहां पर अब पिछले 8 वर्षों में रिकॉर्ड वृद्धि देखने को मिली हुई है। अब आप समझिए इस चीज को, अगर यहां से जो प्रोडक्शन, यहां पर अगर महंगाई बढ़ेगी तो अल्टीमेटली यहां पर तो इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि यहीं से चीजें होकर के आ रही हैं। अब आने में कितना टाइम लगता है, कितना प्रोसेस लगता है, उसके बाद ही देखने को मिलता है। तो देखिए जनवरी से ही बढ़ना शुरू हो गया था। RBI को क्या कहा गया है सरकार के द्वारा कि आप जो है ये 4 ± 2% पर महंगाई दर को रखो। RBI की जो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी होती है उसका काम ये होता है कि ये 4% से ±2% पर ही रखे, यानी कि मैक्सिमम 6% तक और मिनिमम 2% तक महंगाई दर को रखे, इतने में ही आपको रखना है। तो 6% की अगर नीचे रहेगा तो मतलब मामला ठीक ठाक चल रहा है, बहुत ज्यादा महंगाई नहीं है। लेकिन 7.79% का पहुंच जाना ये बहुत बड़ी चिंता की बात है दोस्तों, महंगाई जो है रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ रही है। यहाँ पर CPI और WPI के बारे में थोड़ा सा और अंतर हम लोग समझ लेते हैं डिटेल में। WPI जो होता है दोस्तों, ये ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा जारी किया जाता है, जबकि CPI जो होता है ये सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस के द्वारा, जैसे कि मैंने आपको बताया CSO के द्वारा ये जारी किया जाता है। इसके अलावा ये गुड्स एंड सर्विसेज दोनों पर लगता है, सेवा क्या दे रहे हो, सर्विस क्या दे रहे हो और सामान क्या दे रहे हो, दोनों पर ये डिपेंड करता है CPI के द्वारा जो होता है। और ये जो होता है होलसेल वाला, ये केवल सामान पर, क्योंकि होलसेल में केवल सामान ही दे पाओगे, ठीक है, और सर्विस तो आप फुटकर में ही दे देंगे, ठीक है, एक एक करके ही। यहाँ पर 697 आइटम कवर किए जाते हैं, यहाँ पर 448 और 460 कवर किए जाते हैं, जिसमें से 448 रूरल बास्केट के तहत आते हैं, ठीक है ना, शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, और अर्बन बास्केट के लिए 460 प्रोडक्ट आते हैं शहरी क्षेत्रों में।
यहां पर बेस ईयर माना गया है 2011-12 और जबकि यहां पर बेस ईयर 2012 को माना गया है। तो होलसेल के लिए अगर पूछा जाए कि बेस ईयर क्या माना गया है तो आप बताएंगे 2011-12, और अगर रिटेल सेल के लिए पूछा जाए, खुदरा के लिए मंगाई के लिए पूछा जाए बेस ईयर कब माना गया है तो 2012 आप बताएंगे। इसके अलावा भी अगर आप अंतर देखना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है WPI क्या होता है, इट इज यूज टू मेजर द एवरेज चेंज इन प्राइस इन द सेल ऑफ गुड्स इन बल्क क्वांटिटी बाय द होलसेलर। होलसेलर के द्वारा जो बल्क में खरीदा जाता है उस पर इसका प्राइस डिपेंड करता है। जबकि CPI जो होता है ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, ये मेजर किया जाता है चेंज इन द प्राइस इन द सेल ऑफ गुड्स, जो सामानों का सेल है ये कितने में कितना वृद्धि कर रहा है, इसका दाम कितना बढ़ रहा है, इस पर डिपेंड करता है ये। इसके अलावा WPI जो होता है ये ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा जारी किया जाता है, ये तो मैंने आपको बताया, ठीक है, यहाँ पर भी चीजें मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद यहाँ पर देखो कुछ और चीजें नई आपको मिल जाएंगी, फाइनेंशियल ईयर जो है, अच्छा WPI जो होता है ये फाइनेंशियल ईयर पर डिपेंड करता है, फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग इसका कैलकुलेशन किया जाता है। जबकि CPI जो होता है ये कैलेंडर ईयर पर, कैलेंडर ईयर फाइनेंशियल ईयर समझो, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से चल करके ये 31 मार्च तक चलता है, कैलेंडर ईयर जो होता है ये 1 जनवरी से चल करके 31 दिसंबर तक, जैसा कि आपके कैलेंडर में होता है ये दिवस पर, इस पर ये मापा जाता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ये कुछ फ्यू कंट्री में यूज किया जाता है WPI, बड़े बड़े देशों में दोस्तों WPI ही देखा जाता है, लेकिन भारत में CPI को ज्यादा तवज्जो दी जाती है। भारत में 157 देशों में CPI को ज्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या भी ज्यादा है, यहाँ पर आम नागरिकों पर क्या इफेक्ट देखने को मिल रहा है ये भी जरूरी होता है। यहाँ पर देखो WPI जो है ये वीकली बेसिस पर भी रिलीज किया जाता है, आर्टिकल फ्यूल्स एंड पावर इन सब के रेट को देखते हुए, जबकि CPI जो होता है ये मंथली बेसिस पर जारी किया जाता है, जैसा मैंने आपको अभी ग्राफ दिखाया था कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में कैसे बढ़ रहा था, ठीक है, इतना अंतर और आप समझ लिए। अभी बात आती है कि कंट्रोल कैसे किया जाता है, तो कंट्रोल मैंने आपको बताया था अभी कुछ दिन पहले ही, एक वीडियो मैंने आपको इस पर दी थी कि RBI ने रेपो रेट को बढ़ा दिया, रेपो रेट और CRR को बढ़ा दिया था, तो रेपो रेट और CRR को बढ़ाया गया था जिसमें रेपो रेट में 40 बेसिस पॉइंट या कहें 0.4% बढ़ाया गया था और अब रेपो रेट 4.4% हो गया है। तो इसके ऊपर इसको बढ़ाने से महंगाई दर, मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया था कि कैसे कंट्रोल में होती है, महंगाई दर को कैसे कम किया जाता है, क्योंकि रेपो रेट वो होता है, ये वो इंटरेस्ट होता है जब बैंकों को ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ जाता है RBI से पैसे लेने पर, RBI से लोन लेने पर, यानी RBI से जब बैंकें उधार लेती हैं तो उन पर जो इंटरेस्ट देना होता है वो RBI का रेपो रेट कहलाता है। लेकिन जब ये रेपो रेट बढ़ जाता है तो बैंकें कम लोन लेती हैं या फिर लोन ज्यादा वैल्यू में लेती हैं, तो जब ज्यादा इंटरेस्ट पर लोन लेंगी तो वो ज्यादा इंटरेस्ट पर देंगी, यानी मार्केट में ज्यादा इंटरेस्ट पर लोन मिलने लगेगा। और साथ ही साथ इन्होंने कैश रिजर्व रेशियो भी बढ़ा दिया, यानी कि पैसा खींच लिया एक प्रकार से मार्केट से। तो इन दोनों स्टेप की वजह से क्या हुआ कि आम आदमी के हाथ में पैसा कम हो गया, मार्केट में पैसे का सर्कुलेशन कम हो गया। जब पैसे का, रुपए का सर्कुलेशन कम हो गया तो फिर लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाती है, परचेजिंग पावर कम हो जाती है तो सप्लाई बढ़ने लगती है और डिमांड कम हो जाती है, क्योंकि जब परचेजिंग पावर ज्यादा रहेगी डिमांड ज्यादा हो जाएगी और सप्लाई कम पड़ जाने लगेगी, तो सप्लाई कम होने की वजह से ही महंगाई बढ़ती है। लेकिन जब सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, तो लोग उसको बेचने पर लगेंगे और वो सस्ता होने लगेगा, ऐसे महंगाई कंट्रोल होता है। तो RBI ने ये स्टेप इसलिए लिया जिससे महंगाई को कंट्रोल किया जा सके, लेकिन अभी फिलहाल इसका स्टेप, इसका जो इफेक्ट है वो हो सकता है आगे कुछ दिनों में देखने को मिले, तुरंत ही नहीं देखने को मिलेगा, धीरे धीरे करके देखने को मिलेगा। तो ये तरीका होता है जिससे महंगाई कंट्रोल की जाती है। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि एक कमेटी गठित की गई है, MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में दोस्तों 6 सदस्य होते हैं जिसमें 3 सरकार के होते हैं और 3 होते हैं RBI के। यही लोग बैठ करके मीटिंग करते हैं, इसकी अध्यक्षता RBI का गवर्नर करता है, तो यानी शक्तिकांत दास जी इसकी मीटिंग की अध्यक्षता की है। तो यही लोग डिसाइड करते हैं कि रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट और CRR की तरह रखना है, कैसे रखना है। देखिए ये चीजों पर ये डिपेंड करते हैं कि बैंक रेट कैसा होगा, ठीक है ना, कैश रिजर्व रेशियो कितना होगा, ये सारी चीजें ये लोग, इनका काम होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, जिससे ये इफेक्ट देखने को मिलता है। तो अभी को RBI को जिम्मेदारी दी गई है कि आप जो है वो 6% से नीचे और 2% से ऊपर रखो महंगाई, यानी 4% प्लस माइनस 2% के आसपास में आपको रखना है महंगाई को,
लेकिन अभी आप देख पाएंगे महंगाई 7.79% पर पहुंच गई है, तो यानी आरबीआई पर अब प्रेशर बढ़ गया है। यही कारण था कि आरबीआई ने दोस्तों रेपो रेट में वृद्धि कर दी थी और साथ ही साथ कैश रिजर्व रेशियो में भी वृद्धि कर दी थी, जिससे लोगों की परचेजिंग पावर कम हो सके, सप्लाई को बढ़ाया जा सके और डिमांड कम हो सके लोगों की, ठीक है ना। तो जब ऐसा होगा तो धीरे धीरे इकोनॉमी फिर से कंट्रोल में आएगी। तो ये चीजें थी जहां पर आपने जाना कि कैसे ये मुद्रा जो है ये कैसे चलता है, कैसे कंट्रोल किया जाता है आरबीआई के द्वारा, महंगाई कैसे बढ़ती है, महंगाई कैसे कम होती है, ठीक है ना, इसका कंज्यूमर पर क्या इफेक्ट देखने को मिलता है। तो फिलहाल के लिए तो महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर है, पिछले 8 सालों के रिकॉर्ड स्तर पर है। यहां पर आपने सीपीआई के बारे में भी समझा, डब्ल्यूपीआई के बारे में भी समझा। वीडियो कैसी लगी है आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे, साथ ही साथ रेपो रेट वगैरह क्या होता है इसको और अगर डिटेल में समझना चाहते हैं तो आई बटन पर आपको वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। इकोनॉमी में इंटरेस्ट आएगा, जब इकोनॉमी में दोस्तों आपका इंटरेस्ट आएगा तब इंटरेस्ट बढ़े या घटे आपका स्कोर जरूर बढ़ेगा एग्जाम में। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अच्छा एक चीज और, आप सोचोगे कि सर सब कुछ तो बताए, ये इन्फ्लेशन क्या होता है, महंगाई होती क्या है एक्चुअल में, इसको तो बताया ही नहीं, इसका डिफिनेशन क्या होता है इसको तो बताया ही नहीं। तो दोस्तों इन्फ्लेशन या जिसे कहें मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति वो होती है जब हम लोग कंपेयर करते हैं किसी एक सामान की एक समय से उस सामान की अगले समय में क्या प्राइस हो जाती है, कितना ग्रोथ हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये पेन है, ये पेन मान लो कि ये एक टाइम पर रहती है 50 रुपए की, आगे चल करके ये हो जाती है 60 रुपए, तो कितना परसेंट की वृद्धि हुई, इसकी महंगाई दर होगी, ठीक है ना। तो इसी को कहते हैं इन्फ्लेशन, बहुत ही सिंपल बहुत ही आसान भाषा में आप समझो। एक समय को जब बेस ईयर मान लिया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया सीपीआई के केस में 2012 है बेस ईयर, डब्ल्यूपीआई के केस में 2011-12 है बेस ईयर। तो अगर बेस ईयर मान लिया जाता है तो उसके तुलना में कौन से सामान में कितना वृद्धि हो रही है, इसी को हम लोग कहते हैं महंगाई दर। कैसे कंट्रोल किया जाता है ये आपको बता दिया मैंने। मुद्रा स्फीति की स्थिति में क्या होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो मुद्रा स्फीति की स्थिति में यानी कि मुद्रा स्फीति के बढ़ने की स्थिति में क्या होता है कि दोस्तों महंगाई दर अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये कि डिमांड बहुत ज्यादा है लेकिन सप्लाई में कमी है। जब सप्लाई में कमी है, डिमांड ज्यादा है, तभी तो जो जिसके पास मान लो 10 सामान है और डिमांड है 50 की, तो इस 10 सामान को ये भाई खुल के नहीं चलाएगा कि 10 रुपए इसका दाम था, लेकिन वो कहेगा नहीं कि हम 50 रुपए में देंगे, जिसको लेना हो ले ना तो ना ले। तो वो जो 50 व्यक्ति हैं, 50 जो डिमांड आ रही है, वो ऑटोमेटिकली 20 डिमांड पर या फिर हो सकता है 15 डिमांड पर आ जाए, कि कहेंगे 15 लोग ही कहेंगे चलो हम ही खरीद सकते हैं, बाकी लोग नहीं खरीदेंगे। तो सप्लाई में कमी थी इसीलिए डिमांड में अधिकता थी इसलिए महंगाई इसकी बढ़ी, तो फिर वहां पर हुआ, ठीक है। तो यही है महंगाई दर इन्फ्लेशन। तो मुद्रास्फीति की स्थिति में क्या होता है, मुद्रास्फीति की बढ़ने की स्थिति में ऐसा कब होता है, जब सप्लाई में कमी हो और डिमांड में अधिकता हो, ठीक इसके जस्ट अपोजिट है। मुद्रास्फीति घटने की स्थिति में सप्लाई में अधिकता होती है, डिमांड में कमी होती है। ये डायरेक्टली पूछे गए हैं क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में, आप कोई भी एग्जाम उठा करके देखोगे। चलो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा एक स्पेशल ऑफर है दोस्तों, लेखपाल का बैच अगर आप लेना चाहते हो, यूपी लेखपाल का एग्जाम लगा हुआ है, 50% का डिस्काउंट इस पर चल रहा है, इसको आप अवेल कर सकते हो। MZT ऐप पर जाकर के गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, MZT ऐप डाउनलोड करना है आपको, यहाँ पर बहुत सारे हमारे वीडियो कोर्सेज मिल जाएंगे। साथ ही साथ ग्रामीण परिवेश और सामान्य हिंदी का जो बैच है इंडिविजुअल बैच, इनके प्राइजेस बढ़ने वाले हैं, तो अगर नहीं लिए हो तो इसको जाकर के अभी लो, बहुत जल्द इसके प्राइस बढ़ जाएंगे। NTPC CBT 2 का बैच आया हुआ है, इसमें बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको इकोनॉमी भी पढ़ाई गई है। इकोनॉमी वैसे आप इंडिविजुअली भी खरीद सकते हो, इंडिविजुअल सब्जेक्ट के भी बैचेस यहाँ पर अवेलेबल हैं। इकोनॉमी में अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो बिल्कुल इसको लेने के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे यहाँ पर उपलब्ध है। NTPC CBT 2 बैच में दोस्तों बहुत ही डिटेल जानकारी के साथ बहुत ही अच्छे से टॉपिक बाय टॉपिक हर एक वीडियो आपको दी गई है, तो इससे आप मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। अभी भी काफ़ी समय है, इनफ टाइम है, अगर आप अभी भी अगर इसको लेकर के पढ़ना स्टार्ट कर देते हो तो अपनी जॉब को सिक्योर कीजिए, अपनी एक वैकेंसी को सिक्योर कीजिए MZT ऐप के बैच के साथ। जाकर के आप गूगल प्ले स्टोर से MZT ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल रखते हैं इतना ही वीडियो में दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।